Hey guys, welcome to our channel. तो आज मैंने आपको तो पता ही है हमने घर शिफ्ट किया है और कुछ घर के लिए चीज़ें चाहिए थी तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया क्योंकि ये जो वॉशरूम है ये बिल्कुल ही खाली है, हमसे पहले इस घर में कोई रहा ही नहीं है तो इस वॉशरूम के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और कुछ होम डेकोर की चीज़ें चाहिए थी तो मैंने मीशो से शॉपिंग की है तो आपके साथ में भी शेयर करती हूँ कि कैसा आया। अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो चलो सबसे पहले खोलते हैं ये वाला आइटम और सबके मैं रेट्स आपको बताती जाऊँगी और सबके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये खोल रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अदर वीडियोज ऑल्सो। सो इसको खोलते हैं पहले। तो इसमें है टॉवल होल्डर होता है ना, बड़ा सा टॉवल होल्डर स्टैंड स्टील का, और जैसा फोटो में था ये वैसा ही है। तो इसका प्राइस है, ये हमें मिला है 190 रुपीज़ का मीशो पे, मैं लिंक दे दूंगी। और ऐसा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसको फिक्स करेंगे तब भी आपके साथ में मैं पूरा बाथरूम का टूर भी शेयर करूंगी कि पहले कैसा था और बाकी सारी चीज़ें लगाने के बाद कैसा हुआ। ये है 190 रुपीज़ का और अच्छा है, अभी तो दिखने में अच्छा ही लग रहा है। तो इसके साथ में ना एक छोटा सा पाउच भी है, इसमें कील भी दिए हुए हैं, कील है और वो लगाने का प्लास्टिक वाला जो होता है ना, कील के पहले जो लगाते हैं ड्रिल करके, वो और कील दोनों चीज़ें दी हुई है। ऐसे टोटल 4 कील है और 4 ये है और इसमें भी 4 का ही दिया है, 1-2 इधर और 1-2 इधर, तो ये आराम से फिक्स हो जाएगा और अच्छा है, लंबा है। तो ये था फर्स्ट आइटम, अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट आइटम। तो नेक्स्ट खोलते हैं ये वाला बॉक्स खोलते देखते हैं इसमें क्या है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सीलिंग लाइट है, यहाँ के लिए मंगवाया है मैंने हॉल के लिए, ये देख लो आप ऊपर खुला हुआ है ना, यहाँ पे लिए कुछ प्यारा सा सीलिंग लाइट मंगाऊंगी। और मेरे बहुत टाइम से मन में था कि ये वाला मैं मंगवाऊँ, तो आपको पहले दिखाती हूँ देखो भी पता नहीं कैसा है। तो जो मैंने ऑर्डर किया था उसका पिक्चर मैं दिखा दूँगी आपको। ₹500 में इतना अच्छा लैंप मिल गया और कैचे सब में होल्डर दिए हुए हैं,
तो वॉर्म वाले वॉर्म लाइट्स होती है ना, वॉर्म बल्ब होते हैं वो वाले मैं लगाऊंगी इसमें, क्योंकि मेरे को वॉर्म कलर की लाइट अच्छी लगती है, तो वो लगेंगे यहाँ पर ना। लगाने के बाद में भी मैं आपको शेयर करूँगी, आगे किसी ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी। अभी पूरा घर का टूर भी दूंगी मैं आपको, अभी सेटिंग चल रही है घर की, आपको सिर्फ इतना पोर्शन अभी दिख रहा होगा वीडियो में, अभी पूरे घर की सेटिंग चल रही है, तो वो भी आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो उसी के लिए मैंने मंगवाया कि थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अच्छा लगेगा, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताना आपको कैसा लगा। तो आप खोल के देखते हैं ये वाला, तो ये देखो कितने बड़े डब्बे में आया है, और ये भी मैंने वॉशरूम के लिए मंगवाया है, आप दिखाते हैं। ये कुछ अलग टाइप का ऑर्गेनाइजर है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा इस टाइप का, मैंने किसी वीडियो में देखा था और मेरे को अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइजर, तो मैंने भी ऑर्डर किया है, और बहुत हैवी है, इसका मेटल बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये शावर पे लगता है, शावर हैंगर है ये, तो शावर यहाँ से ऐसे शावर निकलेगा और ये शावर पे अटक जाएगा, और बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी है। यहाँ पे सारे शावर जेल वगैरह ये सब कुछ आएंगे, शैम्पू आएगा, वो सब यहाँ पे सोप रखने का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जिस जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी ये किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और इसका प्राइस है 255 रुपीज़ का, और इतना हैवी मेटल, बहुत अच्छा है। तो अनबॉक्स करते हैं नेक्स्ट आइटम, ये है वॉशिंग मशीन के नीचे सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है इसको, ताकि वॉशिंग मशीन जो है वो ज़्यादा हिले नहीं। अब हमारी थोड़ी हो गया 10 ईयर्स पुरानी हो गई है, तो वो थोड़ी सी हिलने लग गई है, और देखते हैं अभी ये कितना काम करेगा ये प्रोडक्ट, तो आपको भी दिखाते हैं क्या है ये। मैंने भी किसी के यहाँ देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मंगवा के देखते हैं कैसा है। तो ये है कुछ इस टाइप के, नीचे रबर दिया हुआ है, इसके ऊपर में वॉशिंग मशीन का जो लेग है वो आएगा, तो ऐसे चार है क्योंकि चार लेग होता है, तो इस टाइप के ऐसे ये चार है, तो इससे क्या होगा ये नीचे ना सक्शन क्रिएट करके एक ही जगह पे फिक्स रहेगा ऐसा, तो हिलेगा नहीं। देखो अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया, वो चिपक गया। हाँ मतलब ये सक्शन क्रिएट करता है, और ऐसे कर दो तो ये सक्शन क्रिएट करेगा और एक जगह से हिलेगा नहीं। ये अभी देखते हैं कितना वर्क करेगा। ये हमें मिला है कुछ 86 रुपीज़ का मीशो पे, मैं लिंक दे दूंगी, तो 86 का प्रोडक्ट है ये। और अब नेक्स्ट खोल के बताते हैं, ये होम ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उसमें से एक ये भी है, तो ये भी आपको खोल के दिखाते हैं। ये क्या? तो ये है, इसके लिए आपको हुक नील करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अटक जाता है। तो मैं ऐसी कोई चीज़ देख रही थी कि बिना ड्रिल के ही काम हो जाए, तो मेरे को दिखाइए। ये है क्लोथ हैंगर टाइप का होता है ये, इसमें हैंग करने के लिए ये ऐसे आया है, देखता है ये ना डोर पे हैंग हो जाता है, और कहीं पे भी इसको इजीली हैंग कर सकता। तो ये ऐसे है, और ये इस तरीके से इसमें अटकेंगे, ये देखो ये दिए हुए अटकने के लिए, ये इसमें अटक गया है और ये अटक जाएगा इसमें, ये बस। और फिर ऐसे अब इसको डोर पे आराम से ये लग जाएगा, ये अब ऐसे डोर पे लगेगा, इस पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, ऐसे डोर पे अटक जाएगा, फटाफट इस पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, और बिना किसी ड्रिल के ये आराम से अपना काम करेगा। तो ये चाहिए था मुझे, और अच्छा आया है, स्टर्डी है, सही है, तो ये मिला है मुझे 180 रुपीज़ का मीशो पे, मैं लिंक दे दूँगी इसका भी, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स आप खोल के दिखाते हैं आपको नेक्स्ट आइटम, ये मुझे मिला है 343 रुपीज़ का मीशो से,
तो फ्रेंड्स ये है डोर हैंडल बोलते हैं इसको, स्टेनलेस स्टील के है और ये मुझे मिला है 343 रुपीज का। और ये आते हैं कुछ इस टाइप से टंगाने का, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें तो कील लगेगी, कील में ही अटकेगा ये, और इस टाइप के ऐसे दिया है टंगाने का। ये वॉशरूम में लगता है बेसिकली, तो ये हमने दो मंगवाए। और ये भी होम डेकोर में ही आता है, ये वॉशरूम के लिए कर्टन मंगवाए थे मैंने, तो देखते हैं। ये इसमें दो क्वांटिटी है और ये मुझे पड़ा है 288 रुपीज का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये इसके साथ में क्योंकि वॉशरूम में अटकाने के लिए कुछ इस तरीके के ये होल्डर्स भी होते हैं, रॉड पे इसी तरीके के लगेंगे। प्लास्टिक टाइप के मटेरियल में है, प्लास्टिक ही बोलते हैं, पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी या प्लास्टिक ऐसा कुछ लिखा रहा है वहाँ पर। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लेंथ दे दूँगी और अच्छी खासी लेंथ में है ये। और इसका कलर भी अच्छा है, और जब मैं लगाऊंगी वॉशरूम में, आप आगे वाले वीडियो में देखोगे जब मैं वॉशरूम में करवाऊँगी तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके का लग रहा है। ऐसे तो लेंथ काफ़ी अच्छी है, और ऐसे दो का सेट आता है और 288 रुपीज़ का है, ये भी सेम है ऐसे ही, तो ये दोनों मिला के 288 का पड़ा है। फ्रेंड्स ये लास्ट पार्सल है इस हॉल का, पर ये मैंने मीशो से नहीं, अमेजोन से मंगाया, लेकिन मैंने सोचा कि इसी होम डेकोर हॉल में ही मैं इसको भी बता दूँ, तो ये आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। एडजस्टेबल कर्टन रॉड होता है शावर के लिए, शावर एडजस्टेबल कर्टन रॉड बेसिकली ये होता है वॉशरूम के लिए। ये है, इसमें कोई ड्रिल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसा है और ये ऐसा ऐसे करके ये पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे करके बड़ा हो जाएगा। और ये चिपकाने से चिपकाते नहीं है वो, उससे वॉल पे अपने आप को स्टिक हो जाता है, जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे वो एडजस्ट करके वो अपने आप, टेंशन रॉड बोलते हैं इसको, तो वो टेंशन से पूरा वो वैसा का वैसा रहता है। तो देखो ये इतनी लंबी हो जाती है। तो ये मैं दोनों वॉशरूम के लिए मैं यूज़ करूँगी इसको, क्योंकि वॉशरूम में जनरली ड्रिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे को वहाँ के लिए कर्टन रॉड चाहिए थी, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊँगी वॉशरूम भी मैं किस तरीके से पूरा डेकोरेट करूँ। तो ये है इस तरीके की, पूरी इतनी लंबी हो जाती है वॉशरूम के लिए तो सही है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने होम डेकोर आइटम शेयर किए हैं, मैक्सिमम सारे के सारे मीशो से हैं, बस ये एक अमेजोन से है। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर।